बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ ईयर क्लास, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। हमने पेपर सी स्टार्ट करना है। ये देखिए, ये वाली बुक से इकरा नोट्स हैं फिज़िक्स के, पेपर सी, ये हमने स्टार्ट करना है। इसका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में पहला जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड ही है। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि रीजन अराउंड द चार्ज वेयर अ चार्ज कैन अट्रैक्ट अदर चार्जेस इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये सारी डेफिनेशंस पहले आपको पता है। सोर्स चार्ज कौन सा होता है? वो चार्ज जिसके फील्ड को आप स्टडी कर रहे हैं। टेस्ट चार्ज कौन सा होता है? वो चार्ज जिसे आप इस सोर्स चार्ज के फील्ड में ला के देखेंगे कि ये उसे रिपेल करता है या अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपने पढ़ा हुआ है कि अगर हम किसी चार्ज को किसी सोर्स चार्ज के पास लाएंगे तो इस किसी पॉइंट पे सोर्स चार्ज उस चार्ज के ऊपर जितनी फोर्स एग्जर्ट करता है वो उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहलाती है। ठीक है, इसे हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बराबर होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज के। ठीक है, इसमें मेन काम ये है कि हमने डिफरेंट चार्जेस और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम पॉइंट चार्ज की वजह से करेंगे। पॉइंट चार्ज एक सिंगल चार्ज है। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। इसके पास आपने एक टेस्ट चार्ज रखना है क्यू नॉट, और आपने देखना है कि एक एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम दी सोर्स चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है। तो ये फार्मूला है, इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। हमें पता है कि एक सिंगल चार्ज की वजह से जो फोर्स की वैल्यू होती है वो कूलम्ब लॉ से हम इस फार्मूला से कर सकते हैं। फाइंड एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो क्यू वन है ये आपका सोर्स चार्ज है जिसे हम क्यू कह देंगे। क्यू टू जो है ये आपका टेस्ट चार्ज है जिसे हम क्यू नॉट कह देंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में बस आपने क्या करना है, ई इज़ इक्वल टू एफ की जगह आपने ये वैल्यू पुट करनी है, डिवाइडेड बाय आपने क्यू नॉट लिख देना है। तो कि ये क्यू नॉट इससे क्यू नॉट से कट जाएगा। बाकी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन आएगा वो है E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, यानी एक क्यू क्यू से कट जाएगा सोर्स चार्ज वाले से और बाकी ये बच जाएगा। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में अगर हमने लिखना हो तो जब हम राइट लेफ्ट साइड पे E के ऊपर वेक्टर साइन लगाएंगे तो राइट साइड पे हमें एक यूनिट वेक्टर आर कैप लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक ये आपने कर लेना। यहाँ से यूनिट्स देखें इलेक्ट्रिक फील्ड के बनते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स इन न्यूटन, चार्ज इन कूलम्ब, तो न्यूटन पर कूलम्ब इसके यूनिट्स हैं। ये आप कैलकुलेशंस करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो आपने पूछ लेना है अपने लेक्चर टाइम में। ठीक है, इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।